बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करें और मेरे लिए भी, आमीन। ये आज का व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ सुबह के नाश्ते से। तो मेरे शौहर ने कहा था कि चलो मैं आज नाश्ता बाज़ार से लेकर आ जाता हूँ। असल में हम लोग ज़्यादा बाज़ार का खाते नहीं हैं, तो मेरे बेटे को तो वैसे भी ये हलवा पूरी पसंद नहीं है, तो उसके लिए पराठे आए थे और ये मेरे लिए आलू की तरकारी आई थी। तो अलग अलग जिसकी भी जैसी पसंद होती है उस हिसाब से नाश्ता आ जाता है। ये देखें, छोटी बेटी जो है ये भी नाश्ता कर रही है। नाश्ता करने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोगों को असल में मॉल आना था, तो मैं मॉल आ गई थी जी। मैं असल में आई थी इम्तियाज़, मुझे इम्तियाज़ से ग्रॉसरी करनी थी महीने की। तो मैंने कहा चलें, आज का दिन बारे हैं तो हम लोगों ने कहा चलो आज के दिन मैं ग्रॉसरी कर लेती हूँ। लेकिन ये हुआ ये कि जब हम लोग यहाँ पर इम्तियाज़ आए तो यहाँ के दोनों मशीनों में पैसे ही नहीं थे, तो बस जो ज़रूरत का सामान था वो मैंने ले लिया और उसके बाद हम लोग घर आ गए। चलें आप लोग शॉपिंग को एंजॉय करें, आगे मैं आपसे मुलाकात करती हूँ। ये वो सीन है जब वो पैसे निकाल रहे थे लेकिन दोनों मशीनों में पैसे ही नहीं थे। वहाँ पे ज़्यादातर लोग परेशानी हुए, ये हर कोई यही कह रहा था कि यार दोनों मशीनों में पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। हर कोई यही कह रहा था, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें इम्तियाज़ की बहुत अच्छी हैं, जैसे यहाँ पे ये वॉल क्लॉक हो गई, यहाँ पे जो बच्चों का सामान होता है ये भी बहुत अच्छा होता है। तो काफ़ी यहाँ पे चीज़ें अच्छी थी यहाँ पे, और सर्दी के कपड़े भी यहाँ पर आ गए थे, विंटर कलेक्शन भी यहाँ पे बहुत अच्छी आई हुई थी। ये देखें, यहाँ पे मैं भी देख रही थी सब चीज़ों को, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं भी अपने आप को क्लिप में ले लेती हूँ। ये देखें, छोटे बच्चों का सामान काफ़ी अच्छा था यहाँ पे इम्तियाज़ में हो गया। यहाँ पे छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत ही अच्छी होती हैं, काफ़ी प्राइस भी ठीक होते हैं, कितने हाई फाई नहीं होते, यहाँ के प्राइस ठीक रहते हैं प्राइस भी। मैं अक्सर यहाँ पर अपनी छोटी बेटी की शॉपिंग के लिए आती हूँ। मतलब ये है कि एक ही मॉल में आपको हर चीज़ मिल जाती है ना, आपको यहाँ वहाँ होना नहीं पड़ता है। ये जो ड्रेस था ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसमें काफ़ी कलर भी थे और कलेक्शन भी अच्छी थी। ये न्यू अराइवल में आया हुआ था, कॉटन का ये कलेक्शन थी ये, लेकिन लेस वेस बहुत अच्छी इसमें थी, स्टिचिंग बहुत अच्छी हुई हुई थी इसके अंदर। असल में मेरी बेटी अभी छोटी है ना, तो उसके ऊपर ये शलवार कमीज इतने अच्छे लगते नहीं है, वो असल में फ्रॉक में और पैंट शर्ट में कंफर्टेबल रहती है। ये हुडीज आई हुई थी मेरी छोटी बच्चियों की, ये 7-8 साल की बच्चियों के लिए बहुत अच्छी यहाँ पे थी। कुर्तीज कलेक्शन बहुत अच्छी थी यहाँ पे। बच्चियों की वैरायटी बहुत अच्छी है, फ्रॉक की वैरायटी भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। जब मैं इम्तियाज़ से शॉपिंग करने के बाद घर आई तो मुझे कोई रेसिपी बनानी पड़ी, जिससे मैं कहूँगी रोल बनाने पड़े। असल में मेरे जो हस्बैंड ने, मैंने असल में आज बनाई थी बिरयानी, तो मेरे हस्बैंड को रात के टाइम चावल पसंद नहीं है, उनको थोड़ी सी एलर्जी हो जाती है फेस पर। तो ये देखिए मैंने क्विक रोल बनाए थे उनके लिए,
तो मैंने कहा चलें जल्दी से मैं बना रही हूँ, थोड़ा शूट कर लूँ आप लोगों के लिए। चलिए अब आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में मुझे याद रखें, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं। अल्लाह हाफिज़।